और जिंदा रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हो पोपो? ऐसे सीरियस मौके पर आपसी मनमुटाव भूल जाना चाहिए। मैं मानता हूँ तारा, ऐसे मौके पर आपसी मनमुटाव भूल जाना चाहिए, लेकिन जब किसी इंसान के गुनाहों के थप्पे उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहे हो, तब आप उसे गुनाह कैसे भूल सकते हैं? पोपो, तारा तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो तारा, इस लड़की ने रोहित अंकल के एहसानों के बदले उन्हें क्या दिया है। आज रोहित अंकल की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? पूछो, पूछो इससे, पूछो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है। वो अपनी शादी की पार्टी छोड़कर यहाँ तुम दोनों की ये बातें सुनने नहीं आई है। जाहिर है रोहित के साथ हुए हादसे का गम उसे यहाँ खींच लाया है। पता नहीं मुझे क्या खींच लाया उसे, गम या एक और नया प्लान। तारा, इस लड़की ने वीरू को रोहित अंकल के ऑफिस में स्पाइंग के लिए रखा था, जासूसी के लिए, और वो जासूसी रोहित अंकल के बर्बादी का कारण है। तो वीरू क्या बच्चा है? देवयानी ने उससे कुछ जबरदस्ती करवाया, उसे क्या पता नहीं था वो क्या कर रहा है? उस वक्त वीरू देवयानी से प्यार करता था। तो अब क्या हो गया इसकी प्यार? अब इसका प्यार नफरत में कैसे बदल? क्योंकि देवयानी की शादी किसी और से हो गई, इसलिए प्यार भूल कर अब ये नफरत करने लगा। कैसा प्यार है इसका? तारा, अगर तुम प्यार को इतनी अहमियत देती हो तो तुम उन लोगों के बारे में क्या कहोगी जो प्यार करने वालों को धोखा देते हैं? ये मौका नहीं है इस बात पर बहस करने का। मैं रोहित अंकल से मिलना चाहती हूँ। जरूर मिलो, लेकिन इस वक्त वो अनकॉन्शियस है, सेडेटिव के असर से बाहर नहीं आए। ठीक है, मैं बस एक बार उनको देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जाओ, जरूर जाओ, जरूर अंदर जाओ देवयानी, लेकिन तुम्हें अंदर कोई ऐसा राज नहीं मिलेगा जो तुम्हारी बिजनेस में तुम्हें हेल्प कर सके। ओ बाय द वे, शादी मुबारक हो। क्या हो गया आज तुम्हें? हाँ देवयानी, कुछ बोले नहीं रही तुम तो लंबी लंबी स्पीचें दिया करती थी, तुम्हारी जबान तो बहुत लंबी है भाई। हाँ, या फिर क्या कहते हैं वो अदालतों में कि मुजरिम की खामोशी को इकबाले जुर्म समझा जाए। वीरू, तुमने एक और शब्द कहा ना, तो क्या कर लोगी तुम? तुम होती कौन हमारे बीच में आने वाली? अरे तुम क्या जानो किन किन लोगों ने इस्तेमाल किया है मेरा, किन किन मोड़ों से गुजरा हूँ मैं? बस करो वीरू, बस करो। देखो तारा, तुम बीच में मत आओ, इस नाशुक्री लड़की को बता ले लो मुझे आज। नाशुक्र है तो तुम। याद है तुम्हें वो आदमी जो तुम्हें गोलियों की बरसात में से उठा के लाया, जिसने तुम्हें पाला, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी का रवैया बदल दिया? अगर तुम उसका साथ नहीं दे पाए तो किसी और का साथ क्या दोगे?